गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। आई एम डॉक्टर सिद्धि और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 केंट फिलॉसफी का। फिफ्थ चैप्टर है हमारा डिस्क्रिमिनेशन एज टू मेंटेनिंग एक्सटर्नल कॉजेज एंड सर्जिकल केसेस। यानी हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सी जो बीमारियाँ हैं उनके कॉज जो हैं वो मेंटेनिंग एक्सटर्नल कॉजेज है और कौन से हमारे केसेस सर्जिकल केसेस होते हैं। सर्जिकल केसेस वो होते हैं जिसमें हमें मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं और हम उसमें सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। हर केस में सर्जरी नहीं करते, हर केस में मेडिसिन नहीं करते, तो इस चीज़ को हम आज समझेंगे। वी विश टू रिवर्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम टू द फोर्थ पैराग्राफ इन विच हैनिमन सेज द फिजिशियन इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमने पढ़ा था फोर्थ पैराग्राफ में, फिजिशियन जो है एक हेल्थ का प्रिजर्वर होता है। If he knows the thing, अगर वह जानता है वो चीज़ें that derange health, जो health को derange कर रही हैं यानी ख़राब कर रही हैं and cause disease और बीमारी का कारण बन रही हैं and how to remove them from persons in health, और हम उसे कैसे रिमूव करें एक person से जो health में हम जिसे लाना चाहते हैं। The homeopathic physician is a failure. होम्योपैथिक फिजिशियन एक फेलियर है इफ ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, अगर वह डिस्क्रिमिनेशन नहीं जानता है। इट सीम्स दैट अमंग द अर्लीस्ट थिंग, ऐसा दिखता है, ही मस्ट लर्न इट टू रेंडर ऑन टो सीजर CAESAR द थिंग्स दैट आर। अब यहाँ पे सीजर्स का मतलब क्या है? सीजर्स टू कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यहाँ पे सीजर्स का मतलब है हर चीज को एक सही जगह पर पहुंचा दा, टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, और हर चीज को एक ऑर्डर में कर देना। यानी जो बीमार इंसान है उसके अंदर जो बीमारी है उसको हटा के उसके इंटरनल इकोनॉमी को ऑर्डर में लाना। इंटरनल इकोनॉमी ऑर्डर में आएगी तो एक्सटर्नल इकोनॉमी भी ऑर्डर में आएगी। दिस लिटिल पैराग्राफ माइट सीम टू रिलेट टू नथिंग बट हाइजीन। अब कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे हैनिमन सर ने हाइजीन की बात करी है। हाइजीन का मतलब क्या होता है? कि हमें साफ सुथरे तरीके से रहना है। वन ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल थिंग इन इट टू से दैट पर्सन्स अबाउट टू बी मेड सिक फ्रॉम बैड हैबिट्स शुड ब्रेक ऑफ देयर बैड हैबिट्स। पर ये एक बहुत ही सुपरफिशियल थिंग होगी जिसमें पर्सन्स जो हैं वो बीमार पड़ते हैं अपनी गलत आदतों की वजह से और उनको वो गलत आदतें छोड़नी चाहिए। दे शुड मूव फ्रॉम डैम्प हाउसेस, उन्हें ऐसे मकानों से जहाँ पे गीले मकान हैं उन मकानों से बाहर निकलना चाहिए। दे शुड प्लग देयर सीवर्स और हैव ट्रैप्स पुट इन इफ दे आर बीइंग पॉइजन्ड विद सीवर गैस, और अगर उनके आसपास घर के सीवर है, नाला है या वहाँ से गैसेस निकलती हैं पॉइजनस, आप वहाँ पे आपका घर है तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को आपको अलग करना है। पर ये बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें हैं। इसको मैं समझाऊंगी कैसे ये सुपरफिशियल है, क्योंकि जो आपकी इंटरनल डिसऑर्डर है ना, जो आपका सोरा से सोरिक मियाज्म के ऊपर जो आपकी इंटरनल डिजीज आ रही है ना, तो वो मेन बेस है, वो डेप्थ है। और ये सब जो बैड हैबिट्स हैं ये बहुत सुपरफिशियल है। अगर हम बैड हैबिट्स को खत्म कर देते हैं तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इट इज एवरीबडीज ड्यूटी टू डू दीज थिंग्स बट स्पेशली द फिजिशियंस। मतलब ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम साफ सुथरी जगह पे रहें, खुद भी रहें और दूसरों के लिए भी करें, अच्छी जगह साफ सुथरी जगह प्रोवाइड करें और खुद ही गंदगी ना करें। लेकिन ये फिजिशियंस के लिए तो बहुत जरूरी है। एंड वी माइट ऑलमोस्ट लेट इट गो विद द सेइंग टू प्रिवेंट कॉफी ड्रिंकिंग, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक, जैसे हम इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उनसे पूछना चाहिए आप कैसी जगहों पे रहते हैं। हो सकता है वो बहुत सीलन वाली जगहों पे रहते हैं जिसकी वजह से उनका अस्थमा हमेशा एग्रावेट रहता है या उनको ऐसी बीमारियाँ रहती हैं जिनका एग्रावेशन जो है वो रेनी वेदर या डैम प्लेसेस में रहने की वजह से हो रहा है। और हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पेशेंट को बताना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे मत रहें। और दूसरा, हम क्या करते हैं, बस इतना बोल देते हैं पेशेंट को कि आप कॉफ़ी मत पीजिए, विनेगर मत पीजिए, टू प्रिवेंट कॉफ़ी ड्रिंकिंग, विनेगर ड्रिंकिंग एटसेट्रा, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कुछ भी चीज़ आप एक्सेसिव कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। इट इज़ ए सुपरफिशियल थिंग, ये भी एक सुपरफिशियल चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को हटा दोगे तो बॉडी जो है वो ऑर्डर में आ जाएगी। पर इस अगर आपकी इंटरनल इकोनॉमी डिसऑर्डर में है
तो उसको अगर ऑर्डर में लाना है तो आपको मियाजमेटिक ट्रीटमेंट करना होगा। बट इन दिस वे ही में प्रिजर्व हेल्थ, बट इस तरीके से वो हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। टू डिस्क्रिमिनेट देन इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए। टू इलस्ट्रेट इट इन अ जनरल वे, वी माइट से दैट वन हु इज सफरिंग फ्रॉम कंसाइंस डज नॉट नीड अ सर्जन। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि एक आदमी जिसकी कंसाइंस ही नहीं है, कंसाइंस का मतलब कि उसके अंदर सही गलत की समझ या दूसरों के लिए प्यार या ये सब ही नहीं है, या जो ईश्वर को ही नहीं मानता है, उसको क्या चाहिए? उसको एक सर्जन नहीं चाहिए। यू माइट से ही नीड्स अ प्रीस्ट, तो उसे क्या चाहिए? प्रीस्ट चाहिए। प्रीस्ट का मतलब होता है पंडित, पादरी, जो उसे ईश्वर की समझ दे। वन हु इज सिक इन हिज वाइटल फोर्सेस नीड्स अ फिजिशियन, और जो सिक है वाइटल फोर्सेस में उसे क्या चाहिए? उसे एक फिजिशियन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स इल है, हम इंटरनली इल हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक फिजिशियन की ज़रूरत है। एंड ही हु हैज़ अ लेसरेटेड वूंड, और वो आदमी जिसका वूंड जो है फट गया है, बोन जो है टूट गई है, और अ ब्रोकन बोन और डिफॉर्मिटीज, हैज नीड ऑफ इज सर्जन, या कोई डिफॉर्मिटी है तो उसे क्या चाहिए? एक सर्जन चाहिए। इफ हिज टूथ हैज मस्ट कम आउट, ही मस्ट हैव अ सर्जन डेंटिस्ट। अगर उसका दांत जो है वो उखड़ गया है या आधा दांत टूट गया है, तब भी उसे एक सर्जन डेंटिस्ट चाहिए, तो वहां भी हम मेडिसिन तो नहीं प्रिस्क्राइब करने लग जाएंगे? नहीं। वॉट वुड बी थॉट ऑफ ए मैन हु ऑन बींग सेंट फॉर ए सर्जन टू सेट एन इंजर्ड मैंस बोन शुड गो फॉर ए कारपेंटर टू मेंड द रूफ ऑफ द मैंस हाउस। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक कारपेंटर हमारे घर पे आता है और हमारी रूफ को मेंड कर रहा है, ऐसे ही हम सर्जन्स के पास जाते हैं और अपनी बोन्स को सही करवा रहे हैं, बोन्स को जुड़वा रहे हैं, प्लास्टर लगवा रहे हैं, या अगर कट हो गया है तो हम उसमें स्टिच लगा रहे हैं। ये है। If the man's house alone needs mending, then he needs a carpenter and not a surgeon. अगर केवल आदमी के घर को केवल अकेले मेंड करना है तो उसे कारपेंटर की जरूरत है। मतलब अगर हमारा हाउस यानी हमारी बॉडी में केवल कुछ टूट फूट गया है तो हमें केवल कारपेंटर की जरूरत है, यानी द फिजिशियन, तो यानी हमें एक सर्जन की जरूरत है, हमें उसमें फिजिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फिजिशियन मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द मैन एंड हिज हाउस। एक फिजिशियन को ये डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए कि मैन क्या है और उसका घर क्या है। तो ये मैन क्या है और घर क्या है, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट सेकेंड लेक्चर्स में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। एंड बिटवीन द रिपेयर ऑफ मैन एंड द रिपेयर ऑफ हिज हाउस, और जब भी हम रिपेयर कर रहे हैं एक मैन का और उसके घर का, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हमें पता होना चाहिए। इट इज फॉली टू गिव मेडिसिन फॉर ए लेसरेटेड वूंड टू अटेम्प्ट टू क्लोज अप अ डीप वूंड विद अ डोज ऑफ रेमेडी। यानी एक डीप वूंड हो गया, अब वहां पे तो स्टिचेस लगेंगे, तभी वो वहां पे स्किन जो है वो सिलेगी, तो उस केस में अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं पहले, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, क्योंकि वहां पे तो सिलाई से ही काम हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप बाद में इंटरनली स्टिचेस लगने के बाद मेडिसिन दे दें, जिससे कि जो अंदर का हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं, पर आपको स्टिचेस तो लगाने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अगर बोन टूट गई है तो आपको प्लास्टर तो लगाना ही पड़ेगा, वो प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा, पर आप क्या कर सकते हैं, बाद में इंटरनल मेडिसिन देके उसके इंटरनल हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। अब इंजरीज, इट इज इंजरीज फ्रॉम नाइव्स, हुक्स एक्सेट्रा अफेक्ट्स द हाउस द मैन लिव्स इन एंड मस्ट बी अटेंडेड टू बाय द सर्जन। यानी जो इंजरीज हो जाती हैं नाइफ से, हुक से, वो मैन के हाउस को इफेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे आदमी रह रहा है। यानी अगर आपके चाकू से कोई कट लग गया तो आपके शरीर पे हुआ है, ठीक है, आपके इंटरनल डिसऑर्डर नहीं है, ये आपका अंदरूनी मतलब इंटरनल कुछ नहीं हुआ है, तो ये कोई मियास्मेटिक नहीं है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? एंड मस्ट बी अटेंडेड टू बाय द सर्जन, तो यहाँ पे हमें एक सर्जन की जरूरत पड़ेगी। व्हेन द ग्रॉस एक्सटीरियर कंडीशंस व्हिच आर ब्रॉट ऑन, और अगर कोई ग्रॉस बड़े रूप मतलब भयंकर रूप में, ग्रॉस मतलब बड़े रूप पैमाने पे एक्सटीरियर कंडीशंस कुछ हो जाती हैं विच आर ब्रॉट ऑन फ्रॉम एक्सटीरियर कॉजेस, जिनका कारण कोई एक्सटीरियर कॉज है और वो कॉम्प्लिकेट होती हैं विद द इंटीरियर मैन, इंटीरियर मैन के साथ, देन उस समय देन मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। इस फेज में हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। If the physician acts also as a surgeon, he must know when he is to perform his function as a surgeon.
अगर एक फिजिशियन सर्जन भी है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कब सर्जन का फंक्शन करना है और कब नहीं करना है, एंड व्हेन ही मस्ट कीप बैक एज ए सर्जन। ही शुड स्वी अप अ वूंड, मतलब वो एक घाव को सिल सकता है, बट शुड नॉट बर्न आउट एन अल्सर विद नाइट्रेट ऑफ सिल्वर। लेकिन एक अल्सर हो गया, अल्सर का मतलब होता है कि हमारी जो स्किन की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई है, तो इस अल्सर के केस में आप कोई नाइट्रेट ऑफ सिल्वर का सोल्यूशन ऊपर से नहीं डालेंगे क्योंकि वो ज्यादा वर्स हो जाएगा अल्सर। क्यों? क्योंकि ये जो अल्सर है ये इंटरनल डिसऑर्डर की वजह से आया है, जिसकी वजह से हमें इंटरनल मियास्मेटिक ट्रीटमेंट करना है, और ये अल्सर इंटरनली जब आपकी हीलिंग होने लग जाएगी तो एक्सटर्नली अल्सर भी ठीक होने लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें सर्जरी नहीं करनी है। इफ ही इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड ऑन एवरी अल्सर ही प्लास्टर्स हिज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और अगर वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है फिजिशियन कि कहाँ पे सर्जरी करनी है कहाँ पे नहीं करनी है, तो वो अल्सर पे भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर देगा। ही इज नॉट अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, और इस तरह से वो हेल्थ का प्रिजर्वर नहीं है। व्हेन साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट द फिजिशियन इज नीडेड। जब साइंस और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें एक फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमारी बॉडी में इंटरनली डिसऑर्डर हुआ, उसकी वजह से एक्सटर्नली हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं। तो साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं इनसे पहले के लेक्चर्स में। When signs and symptoms are present, the physician is needed because these come from the interior to the exterior. क्योंकि ये इंटीरियर ऑफ मैन से एक्सटीरियर पे आए होते हैं। बट इफ हिज कंडीशन इज ब्रॉट ऑन ओनली फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉजेस। लेकिन अगर उसकी कंडीशन जो है वो केवल बाहरी कारणों के कारण है, द फिजिशियन मस्ट डिले एक्शन। तो फिजिशियन को अपना एक्शन जो है वो क्या करना चाहिए? डिले कर देना चाहिए, एंड लेट द सर्जन डू हिज वर्क, और सर्जन को उसका काम करने देना चाहिए। यानी अगर हम किसी बाहरी कारणों की वजह से हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है, बीमारी भी नहीं हो रही है, वो बीमारी नहीं है, वो एक कट है, सिंपल हमारे बॉडी में एक कट हो गया है, ये हमारी हड्डी टूट गई है, तो पहले फिजिशियन को काम करने दो और फिर सॉरी पहले सर्जन को काम करने दो, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक पेशेंट है, उनको उनकी हड्डी टूटी। अब हमने पहले समझना है कि हड्डी टूटने की वजह क्या थी। जैसे उन्होंने बोला कि मेरा मेमोरी लॉस हो गया था या मेरा जजमेंट का लॉस हो गया था, तो मैं ये नहीं जज कर पाया कि सामने से कार आ रही है। तो इसका मतलब उन पेशेंट में कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट लेवल पे कुछ ना कुछ कमी आ रही है जो नहीं आनी चाहिए एक हेल्दी मैन में, क्योंकि हेल्दी मैन ऐसे नहीं होता। अगर एक हेल्दी आदमी है तो उसके अंदर प्रॉपर जजमेंट होना चाहिए। तो अब मेमोरी लॉस हो रही है या जजमेंट नहीं हो पा रहा है, या वो कह रहा है एकदम से ना मेरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया और वो मेरे सामने से गाड़ी आ रही थी और मैं उसके सामने गिर गया और वो मेरे ऊपर से निकल गई और मेरी हड्डी टूट गई। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्जरी का रोल प्ले हुआ, सर्जन का रोल आया, वो आए, उन्होंने क्या करा, और जो भी हमारे क्या होते हैं जो बोन्स को ठीक कर रहे हैं या जो भी वूंड हुआ है उसको उसको सिल रहे हैं, उन लोगों ने वो सब किया। उसके बाद हमें पेशेंट की पूरी केस टेकिंग करनी है और इस चीज को समझना है कि उस जो ये जो क्या कहते हैं इनका एक्सीडेंट हुआ है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हर चीज का एक कारण है। तो वो एक इंटरनल कॉज को समझना बहुत जरूरी है जो हम बाद में पेशेंट से बात करके समझ सकते हैं, और उसका हम फिर उस लेवल पे क्या कहते हैं इलाज करेंगे, उसको इंटरनली मेडिसिन देके, जिससे नेक्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा ना हो कि कहीं फिर से उनकी मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए या फिर उनकी मेमोरी लॉस ना हो। उस लेवल पे हमें फिर जाके काम करना है और फिर हमें वहां पे इंटरनली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है। तो ये ऐसे हमें करना है काम। येट वी सी अराउंड अस दैट फिजिशियन बम्बार्ड द हाउस द मैन लिव्स इन एंड हैव नो आइडिया ऑफ ट्रीटिंग द मैन। यानी हम देखते हैं फिजिशियन जो है जो मैन में येट वी सी अराउंड दैट फिजिशियन बम्बार्ड द हाउस द मैन लिव्स इन। यानी जिस घर में आदमी रह रहा है तो फिजिशियन क्या करता है कि उस घर को ठीक करने में लगा रहता है,
उस घर को ठीक करने में लगा रहता है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि हमें इस चीज पे ध्यान देना, एंड हैव नो आइडिया ऑफ ट्रीटिंग द मैन, और उसको कोई आइडिया नहीं होता मैन को ट्रीट करने का। दे आर नो मोर देन कारपेंटर्स, दे अटेम्प्ट टू रिपेयर द रूफ बट ऑन बोर्ड्स एंड बैंडेजेस। अब ये फिजिशियंस क्या गलती कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, केवल बैंडेजिंग के थ्रू मैन को हेड से फुट तक बैंडेज कर दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। द फिजिशियन मस्ट नो द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड रिमूव देन। फिजिशियन जो है उसको पता होना चाहिए जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं चीजें, और उनको हमें रिमूव करना है। इफ ए फैंग ऑफ एन ओल्ड टूथ, अगर एक पुरानी दांत का फैंग है और वो सिरदर्द कॉज कर रहा है डे एंड नाइट, तो क्या होगा, इस कारण को हमें रिमूव करना है। यानी इसको हम ऐसे समझेंगे कि फिजिशियन जो है उसको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो हेल्थ को डिरेंज कर रही हैं, और उनको हटाना आना चाहिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से सर ने समझाया कि अगर एक टूटा हुआ पुराना दांत है और उससे सिरदर्द हो रहा है, तो हमें उसको रिमूव करना आना चाहिए। टू प्रिस्क्राइब व्हेन ए स्प्लिंटर इज प्रेसिंग ऑन ए नर्व, और अगर कोई नर्व है उसके ऊपर कोई चीज दबाव डाल रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें उस स्प्लिंटर को हटाना है, उस दांत को निकालना है, क्योंकि उस टूटे हुए पुराने दांत की वजह से क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और नर्व पे अगर कोई स्प्लिंटर प्रेस करेगा तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एंड लीव द स्प्लिंटर इन वुड बी फुलिशनेस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और अगर हम वहाँ पे स्प्लिंटर को लीव करते हैं तो क्या है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं हम, और पेशेंट क्या होगा, पेशेंट थोड़े दिनों बाद पैरालिसिस में चले जाएगा, जैसे ही नर्व का एक्शन खत्म हो जाएगा उसका वो पार्ट जो है बॉडी का वो पैरालाइज हो जाएगा। माई एम शुड बी टू डिस्क्रिमिनेट एंड रिमूव एक्सटर्नल कॉजेज एंड टर्न इन टू ऑर्डर इंटरनल कॉजेज। अब हमारा एम क्या होना चाहिए फिजिशियन का, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके और रिमूव कर दे, यानी हटा दे एक्सटर्नल कॉजेस को, बाहरी कारणों को, और ले आए ऑर्डर में इंटरनल कारणों की वजह से जो भी इंटरनल इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है उसको भी ऑर्डर में लाना है। अ मैन कम्स फॉर ट्रीटमेंट एंड ही इज लिविंग ऑन डेवल्ड क्राफ्ट। सर ने ये सारे एग्जाम्पल्स दिए एक एक करके कि एक आदमी है, वो क्या है, वो हमारे पास इलाज कराने के लिए आ रहा है, लेकिन वो खा क्या रहा है, वो बहुत ही सड़े गला खाना, जैसे लॉबस्टर्स, क्रैब्स, क्रैब्स केकड़े होते हैं, लॉबस्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, इन सब का सैलड खा रहा है, और गंदा खाना खा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा घी, गंदा तेल। तो ये क्या है, ये खाना हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, ये एक डॉग के लिए। तो यहाँ पे सर ने लिखा है, ऑन डेविल्ड क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सैलेड्स एंड अदर ट्रैश टू रिच फॉर द स्टमक ऑफ अ डॉग। यानी ये एक कुत्ते के पेट में खाने वाला खाना है, ये इंसान के पेट में खाने वाला खाना नहीं है। इफ वी कीप ऑन गिविंग नक्स वोमिका टू दैट मैन वी आर फुलिश। यानी वो इतना गंदा खाना खाएगा तो उसको पेट में दिक्कत होनी ही होनी है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अब हम उस केस में अगर इस पेशेंट को नक्स वोमिका देने लग जाए तो हम बेवकूफ हैं, क्योंकि वो इतना खराब खाना खा रहा है जिस वजह से उसने अपना पूरा गैस्ट्रिक जो है वो खराब कर लिया है। इफ ए मैन हु हैज बीन लिविंग, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, लिविंग विशियसली स्टॉप इट, ही कैन बी हेल्प्ड, बट सो लॉन्ग एज दैट एक्सटर्नल कॉजेस इज नॉट रिमूव्ड द फिजिशियन इज नॉट यूजिंग डिस्क्रिमिनेशन। वही है बात, विशियस हैबिट्स, बैड लिविंग, लिविंग इन डैम्प हाउसेस, यानी बुरी आदतें, एक बुरे बुरा जीवन जीना, गीले गंदे घरों में रहना, आर एक्सटर्नल्स, ये सब एक्सटर्नल्स हैं एंड मस्ट बी रिमूव, और हमें इन्हें रिमूव करना आना चाहिए, या हमें रिमूव ज़रूर करना है पेशेंट में। यानी जो हमारे पास बहुत सारे गरीब पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं वो क्या खाना खा रहे हैं, कितनी खराब जगह से खा रहे हैं, और या जैसे हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि वो उनका काम इतना खराब है, जैसे हम सिलिकोसिस डिजीज पढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे कंडीशंस इतनी खराब है जिसकी वजह से उनको बीमारी होनी ही होनी है। तो अगर हम उनको उस बुरे वातावरण से बाहर नहीं निकालेंगे, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज एन एक्सटर्नल कॉज। तो पहले एक्सटर्नल कॉज हटाना जरूरी है। व्हेन अ मैन अवॉइड्स दीज एक्सटर्नल
जब एक मैन जो है वो इन एक्सटर्नल्स को रिमूव कर दे, सॉरी, एंड डैम्प हाउसेस आर एक्सटर्नल्स एंड मस्ट बी रिमूव्ड व्हेन अ मैन अवॉइड्स दीज एक्सटर्नल्स इज क्लीनली केयरफुली चूजेस हिज फूड। अब यहाँ पे सर ने एक बात कही है कि अगर एक आदमी जो है वो अपने एक्सटर्नल्स को रिमूव कर रहा है, यानी ये जो एक्सटर्नल कॉजेज है इनको रिमूव कर रहा है और साफ सुथरी जगह पे है, अपना खाना ढंग से चूज कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है और एक कंफर्टेबल होम में रह रहा है जहाँ पे आराम से बिस्तर है। जैसे अगर आप एक गलत बेड पे सो रहे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बैकएक की प्रॉब्लम होगी होगी, तो सीधी सी बात है अगर हम उसका वो बिस्तर चेंज कर दें तो उसको उसका हो सकता है उसका पीठ दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा और एंड इज स्टिल मिजरेबल। बट अगर इतना करने के बाद भी अगर उसकी कंडीशन जो है या उसका पेट में दर्द है या उसको बैक में दर्द हो रहा है वो अभी भी खराब रहती है, तो उन केसेस में हमें इंटरनल मेडिसिन देनी है और विद इन ट्रीट करना है। समझ आ गया? यू नो हाउ वी आर मेलाइंड एंड लाइड अबाउट? यू हैव हर्ड इट सेड अबाउट सम स्ट्रिक्ट होम्योपैथ, ही ट्राइड टू सेट अ ब्रोकन लग विद द सेम पोटेंसी ऑफ मर्करी, वॉट ए पुअर फूड। बट इज स्टिल आउट साइड ऑफ सच एन इंस्टेंट दिस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर। यहाँ पे सर ने ये बोला है कि कुछ जो होम्योपैथ है ना वो ये गलती कर रहे हैं, सर के टाइम पे करते होंगे मुझे लगता है, वो मरकरी से, क्योंकि हमारी एक मेडिसिन होती है मरकरी जो हम यूज करते हैं और उसको सीएम पोटेंसी से उस पेशेंट की ब्रोकन लग को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंटरनल कोई डिसऑर्डर नहीं है, बाहर केवल हमारा जो शरीर है, जो हमारा हाउस है उसमें टूट फूट हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना एक दीवार है, दीवार में कील गाड़ दो तो क्या हुआ, वहां पे छेद हो गया, तो उस छेद जो हुआ है उस वो इंटरनल बीमारी नहीं है। बट अगर इंटरनल कुछ होता है और उस वजह से वो दीवार कमजोर पड़ जाती है और वो गिरने ढहने लग जाती है, तो वो हमें इंटरनली ठीक, इंटरनल जो कारण है उसको ठीक करना है। तो बाहर एक आपने गड्ढा कर दिया, कील कर दिया, तो उसमें आप क्या हुआ, आपने केवल एक दीवार को खराब किया है। आप उसके अंदर क्या करके, आप उसके अंदर प्लास्टर लगा के उसे ठीक कर सकते हैं। ही मस्ट फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं, यू मस्ट रिमेंबर इट स्पेशली वेन बिजी एज एट टाइम्स इट विल बी हार्ड टू डिसाइड। दिस काइंड ऑफ डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट सेटल्स बिटवीन थिंग्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एवरी फिजिशियन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट दस, फॉर इट ही डिड देयर वुड नॉट बी सो मैनी पोल्टाइजेस एंड मर्डरस एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज। सर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि जैसे अल्सर्स हो जाते हैं या आपकी छोटे छोटे हम एक्नेज हो जाते हैं, तो इनमें कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन मत करिए क्योंकि ये एक इंटरनल डिसऑर्डर की वजह से है। तो सबसे पहले उस चीज़ को ठीक करिए, ये सब बाहर की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मेरे भी एक्ने हो रहे हैं, मैं कभी भी कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं इंटरनली अगर हील हो जाऊंगी तो मेरे एक्सटर्नल जो साइंस और सिम्टम्स है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। एवरी फिजिशियन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट दस इस सॉरी अमंग दीज हु डू नॉट डिस्क्रिमिनेट आर दोज हु अप्लाई मेडिसिन एक्सटर्नली एंड गिव देम इंटरनली। यानी कुछ तो ऐसा भी कर रहे हैं कि एक्सटर्नली भी अप्लाई कर रहे हैं और इंटरनली भी दे रहे हैं, जबकि हमें अल्सर्स के केसेस में, एक्नेस के केसेस में और भी बहुत सारी बीमारियां, सोरियासिस के केसेस में बिल्कुल एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इससे बीमारी क्या होगी, वर्स हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी, वो दब जाएगी, उसमें सप्रेशन ऑफ डिजीजेज हो जाएगा। सप्रेशन ऑफ डिजीज को मैं आपको बहुत ही अच्छे से आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं हम पढ़ेंगे किस तरह से हम बीमारी को है अपनी बॉडी में एक लेयर से दूसरी लेयर में सप्रेस कर रहे हैं। यू नाउ वी रिटर्न टू द फिफ्थ पैराग्राफ विच रीड्स। अब हम अपने फिफ्थ पैराग्राफ में आएंगे जो क्या पढ़ता है, यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज ऑफ द एक्यूट डिजीज। यानी ये बहुत जरूरी है फिजिशियन के लिए समझना कि उसे क्या क्योर करना है, उससे क्योर करना है पर्टिकुलर्स, किसके पर्टिकुलर्स, कोई भी एक्यूट डिजीज हमें हो रही है, ठीक है, तो उसका जो कारण है, कौन सा कारण, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, यानी
ऐसा कारण जिसकी वजह से वो बीमारी एक्साइट हो गई है, उस कारण को समझ के, उसके पर्टिकुलर को समझ के वहां से हमें क्या कहते हैं इलाज करना है और उस चीज को क्योर करना है। एज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इन द होल हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज टू इनेबल हिम टू डिस्कवर इट्स फंडामेंटल कॉज। और ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है क्रॉनिक डिजीज की पूरी हिस्ट्री में, कि हम इस बात को समझें कि हमें एक फंडामेंटल कॉज को ठीक करना है। यानी मियाजमेटिक क्या होते हैं क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज का बेस क्या है, मियाज में सोरा सिफिलिस साइकोसिस। तो हमें उस फंडामेंटल कॉज को ठीक करना है, क्योंकि एक्यूट डिजीज में तो हमें मिल सकता है कि हाँ पेशेंट ने कल कपड़े नहीं पहने थे, इतनी ठंड थी, उसको चेंज ऑफ वेदर से प्रॉब्लम हो गई, या उसको ठंडी गर्मी से प्रॉब्लम हो गई, या उसको सन की वजह से हो गई, या सन की वजह से बुखार हो गया, या लू लग गई, सन की वजह से डायरिया हो गया इतनी गर्मी की वजह से, या उसने ये खा लिया तो इनको ये सिम्टम्स हो गए। तो उस केसेस में एक्यूट डिजीजेस में तो कॉज को पता करना आसान होता है, पर जो क्रॉनिक डिजीज है जो इतने लंबे सालों से चली आ रही है, तो उसमें आप कैसे एक इतना छोटा कॉज निकालेंगे, आपको तो याद भी नहीं होगा। तो वहां पे फंडामेंटल कॉजेस को हम लेते हैं, यानी हम मियाज्मेटिक कॉजेस को लेते हैं, सोरा सिफिलिस साइकोसिस को कंसिडर करते हैं, और पेशेंट के इनर मोस्ट विल, इंटेलेक्ट, मॉरल्स, इन सबको कंसिडर करके पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, which is generally due to a chronic miasma. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character. यानी यहाँ पे हमें पेशेंट का होल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन लेना है, जो हम आगे केस टेकिंग में पढ़ेंगे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है, स्पेशली जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें उनके मॉरल्स, यानी उनका उनके क्या कहते हैं मॉरल्स की हिंदी क्या होती है, उनका मतलब वो कैसे इंसान है, अच्छे इंसान है, बुरे इंसान है, उनका माइंड कैसा है, उनका इंटेलेक्ट कैसा है, उनका क्या काम करते हैं, हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी आदतें क्या है, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उनका समाज के साथ और अपने घर में कैसा व्यवहार है। यानी कुछ लोग बहुत एंग्री होते हैं, कुछ बहुत इरिटेबल होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग कभी रिएक्ट ही नहीं करते हैं, कुछ लोग सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना एक होम्योपैथिक केस टेकिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी मेडिसिन की डिफ्रेंसिएशन होती है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, इसलिए हम उनकी सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे मेडिसिन को देंगे। हिज एज, सेक्सुअल फंक्शंस एटसेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी उनकी उम्र, उनका किस तरह से उनका सेक्सुअल फंक्शंस है, सेक्सुअल फंक्शंस को हम बोलेंगे पता नहीं, उनको हमें कंसिडर करना है। लिटिल इज नोन ऑफ द रियल एक्साइटिंग कॉजेस। अब एक्यूट अफेक्शंस आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। हम जो एक्यूट अफेक्शंस हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक दोज दैट आर मियाजमेटिक विच आर ट्रू डिजीजेस। एक जो होती हैं वो हमारी मियाजमेटिक होती हैं, और ये जो होती है हमारी ट्रू डिजीजेस होती हैं। यानी एक डिजीजेस जो है वो मियाजमेटिक है और वो हमारी ट्रू डिजीजेस हैं, यानी मियाज्म की वजह से हमें जो एक्यूट डिजीजेस हो रही हैं, ठीक है। तो इन एक्यूट डिजीज को हम ट्रू डिजीज बोलते हैं, मतलब ये सच्ची में एक बीमारी है। एंड सेकेंड, दोज दैट मे बी कॉल्ड मिमिकिंग सिकनेस। और कुछ एक्यूट डिजीजेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, मिमिकिंग सिकनेस कहलाती हैं। यानी वो बीमारी को मिमिक कर रही हैं, पर वो एक्चुअल में बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक रूप है। जैसे मैं इसको समझाती हूँ कि मैंने आज बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया, या मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया जिसकी वजह से मुझे डायरिया हो गया, तो वो डायरिया ठीक हो जाएगा कब, वो तब ठीक हो जाएगा अगर मैं ऐसा गंदा खाना जो मैंने आज खाया है या जो सड़ा खाना मैंने खा लिया है, तो मैं अगर पेट को एक दिन के लिए रेस्ट दूं और कम खाऊं, और क्या कहते हैं हेल्दी फूड खाऊं, या कुछ भी ना खाऊं और केवल लिक्विड डाइट पे, और जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रॉल लूं,
तो मेरा बॉडी अपने आप एक दो दिन में रिकवर कर जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये सिकनेस नहीं है, ये मिमिकिंग सिकनेस है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत चीज ले ली और वो उसने मेरे बॉडी में बस एक दिन के लिए थोड़ा सा सिम्टम्स क्रिएट कर दिए, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने लगे, थोड़ा सा फूड पॉइजन हो गया। तो ये मिमिकिंग सिकनेस है। बट एक सिकनेस जो होती है जो एक्यूटली हमारे सामने आ रही है, बट उसका बेस क्या है, मियाज में बेस है। तो उस चीज को, इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि किस केस में मेडिसिन देनी है, किस केस में मेडिसिन नहीं देनी है। जैसे द लिविंग इन डैम्प हाउसेस, अब कोई पेशेंट है वो डैम्प हाउसेस में रह रहा है, ग्रीफ, बहुत लंबे समय से किसी दुख में चल रहा है, बैड क्लोथिंग, खराब कपड़े पहन लिए, सर्दी है, कुछ नहीं पहन रखा है, गर्मी है, इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, अरे भैया फीवर तो आएगा ना, तुमने इतनी गर्मी में इतने कपड़े पहन लिए हैं, एटसेट्रा। एंड द कॉजेस बीइंग लेटर हैव नो डेफिनेट कॉज, आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल कॉजेस सच एज रिमूव द पेशेंट रिकवर्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं। और जो कारण है, जो लेटर के कारण है, लेटर का मतलब जो मिमिकिंग सिकनेस है उसका जो कारण है, उसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं है, कोई डेफिनेट कारण नहीं है, बल्कि वो जो प्रोड्यूस हुई है, उत्पन्न हुई है कुछ एक्सटर्नल बाहरी कारणों के कारण, जिनको अगर हम पेशेंट के अंदर से हटा देते हैं तो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। बट द फर्स्ट द एक्यूट मियाज्म हैव ए डिस्टिंक्ट कोर्स टू रन, लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि एक्यूट मियाज्म जो है वो जब ट्रेवल कर रहा है हमारी बॉडी में तो उसका एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स की हम स्टडी करेंगे। दे हैव अ प्रोड्रोमल पीरियड, हम पढ़ते हैं एक्यूट डिजीजेज में स्पेशली एक प्रोड्रोमल पीरियड होता है जिसमें डिजीज जो है वो शुरुआत हो रही है, अ पीरियड ऑफ प्रोग्रेस, उसके बाद एक डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रही है, एंड अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, और फिर उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है। इफ नॉट सो सीवियर, अगर वो उतनी बुरी अवस्था में नहीं पहुंची है तो वो अपने आप डिक्लाइन भी हो जाएगी, बट अगर वो पहुंच चुकी है तो क्या होगा, एज टू कॉज द पेशेंट्स डेथ, अगर वो सीवियर हो जाती है तो लास्टली पेशेंट की डेथ हो जाएगी, डिक्लाइन होते, डिक्लाइन नहीं होगी, डिजीज क्या कर देगी, एक्यूट डिजीज पेशेंट की डेथ को कॉज करेगी। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जैसे कि मीजल्स हो गए, स्कारलेट फीवर हो गया, वूपिंग कफ हो गया, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट मियाज्म। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्यूट मियाज्म के एग्जाम्पल हैं। द फिजिशियन मस्ट ऑल्सो बी एक्वेटेंट विद द क्रॉनिक मियाज्म, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। फिजिशियन को ये चीज समझनी चाहिए कि क्रॉनिक मियाज्म क्या है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस हैं, जिनकी हम बाद में स्टडी करेंगे। These have like the acute, ये acute miasma की तरह ही होते हैं, इनमें एक prodromal period होता है, एक period of progress होता है, but unlike the acute, they have no period of decline, यानी एक acute disease की तरह जो chronic diseases हैं उनमें period of decline नहीं होता है। यानी अगर मैं chronically sick हो गई तो मेरी बीमारी जैसे जैसे वक्त आता जाएगा वैसे वैसे मेरी बीमारी internally बढ़ती जाएगी, और बीच बीच में जब भी unfavorable conditions होंगी तो वो एकदम से peak पे होगी और बहुत ज़्यादा signs and symptoms appear होंगे, और मैं कुछ समय के लिए उसका इलाज करके उसको दबा दूंगी, फिर वो अंदर ही अंदर इंटरनली डिसऑर्डर क्रिएट करती रहेगी, अंदर ही अंदर हमें सिक करती रहेगी, और फिर जैसे ही कोई प्रॉब्लम या अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो फिर एकदम से हाइटेंड स्टेट में जाएगी, फिर हम कोई दवाई देंगे वो फिर थोड़े समय के लिए अंदर शांत हो जाएगी, हमें बाहर कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, फिर वो दोबारा आ जाएगी। तो ये क्या है, ये क्रॉनिक मियाज्म है, तो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं होती है क्रॉनिक डिजीजेस। व्हेन द टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस आर फेवरेबल द क्रॉनिक मियाज्म बिकम क्वाइसेंट, जब टाइम्स और हमारा सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल है तो जो क्रॉनिक मियाज्म है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, बट एडवर्स टाइम्स रोज इनटू एक्टिविटी, बट बुरे समय में वो एकदम ही एक्टिव हो जाएगा, एंड ईच टाइम इट इज एरोज्ड द कंडीशन इज वर्स, और हर बार जब भी वो एकदम से एरोज होगा तो हमारी जो कंडीशन है या पेशेंट की कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी, दैट इट वॉज एट द प्रीवियस एक्सेसरबेशन, जो
मतलब जैसे उसकी पहले एकदम से बीमारी हुई थी, तो फिर उसको फिर से बीमार वो हो जाएगा। इन दिस पैराग्राफ हैनेमैन टीचेस दैट द क्रॉनिक मियाज्म आर फंडामेंटल कॉजेस ऑफ द एक्यूट मियाज्म। यहाँ पे हमारे हैनेमैन सर ने टीच किया है कि क्रॉनिक मियाज्म जो है वो फंडामेंटल कारण है, यानी वो कारण है एक्यूट मियाज्म का। कारण क्या है? एक्यूट मियाज्म का कारण है क्रॉनिक मियाज्म, विच इज टू से, जिसको हम ऐसे समझते हैं, इफ देयर वर नो क्रॉनिक मियाज्म देयर वुड बी नो एक्यूट। यानी अगर कोई क्रॉनिक मियाज्म नहीं है तो कोई एक्यूट मियाज्म भी नहीं हो सकता है। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ ए क्रॉनिक मियाज्म टू डिस्पोज मैन टू एक्यूट डिजीजेस। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्रॉनिक मियाज्म जो है वो प्रीडिस्पोज करता है, यानी आदमी को उस स्टेट में लेके जाता है कि उसके इंटरनली वो इतना वीक हो जाता है कि उस वो एक्यूट डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। तो यानी अगर हमें क्रॉनिकली हम इल हो गए हैं तो बीच बीच में हमें एक्यूट डिजीजेस होने का बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही है और इस वजह से ये कंडीशंस हमारे सामने अपियर होने लगती हैं। एंड द एक्यूट डिजीजेस आर एज फ्यूल एडेड टू एन इनक्विंचेबल फायर। तो एक्यूट डिजीज क्या हो गई? एक फायर लगी हुई है शरीर के अंदर, यानी एक गड़बड़ चल रही है जो कभी रुकने ही वाली नहीं है। उसमें भी एक्यूट मियाज्म आ गया, एक्यूट डिजीज ऊपर से आ गई, तो पेशेंट की हालत बहुत ही खराब हो गई। एक्यूट डिजीज देन एग्जिस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक कॉजेस कोऑपरेटिंग विद ससेप्टेबिलिटी। इसलिए जो एक्यूट डिजीज है वो एग्जिस्ट करती हैं एक कारण के, एक स्पेसिफिक कारण की वजह से, जो कोऑपरेट करते हैं किसके साथ? ससेप्टेबिलिटी के साथ। ससेप्टेबिलिटी का चैप्टर फर्दर पढ़ेंगे, बहुत गहराई में पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी। वी डू नॉट रिकोगनाइज मीजल्स और स्कारलेट फीवर एक्सेप्ट इन सिक पीपल। यानी यहाँ पे सर ने ये बोला है कि हमारे आसपास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, मेरे आसपास भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होंगे, बट आई एम नॉट ससेप्टेबल टू देम। वाई आई एम नॉट ससेप्टेबल टू देम? क्यों? क्योंकि मेरी इंटरनल इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि मेरी बॉडी जो है उससे अफेक्ट नहीं हो रही। अगर वो बाई चांस मेरे अंदर आ भी रहा है तो मेरी इंटरनल इकोनॉमी उसको लड़ करके निकाल देती है। बट कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जैसे हम एक देखते हैं, जैसे बहुत सा एक साथ ना पेशेंट्स को बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ बुखार हो जाता है। जैसे बुखार का टाइम चलता है ना, डेंगू फीवर का टाइम चल रहा है, तो सारे पेशेंट्स बीमार नहीं होते। मुझे तो आज तक कभी डेंगू फीवर नहीं हुआ, बट मेरे आसपास और मेरी सिस्टर को तीन तीन चार बार हो चुका है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ससेप्टेबल है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है कि वो क्या कहते हैं, उसको बार बार वो चीज इफेक्ट कर जाती है। मुझे भी काटता होगा डेंगू का मच्छर, बट मुझे नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी का रोल प्ले होता है, दैट यू शुड बी ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। देयर इन्फ्लुएंस माइट एग्जिस्ट इन द एटमोसफियर। हो सकता है वो हमारे वातावरण में आसपास हुए हों, बट वी कैन नॉट सी इट। बट हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सीधी सी बात है, हम आंखों से तो नहीं देख पाते हैं ना। सो अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स दैट टेक एंड डेवलप देम, वी कुड नॉट नो वॉट दैट देयर वर सच डिजीजेज। तो यानी जब तक वो अपना इफेक्ट हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या वो हमारे आसपास के लोगों को बीमार नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि जो ये जो थे ये मॉस्किटोज या ये जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, हमारे आसपास हैं। If there were no children on the earth, susceptibility to measles, we would have no measles. यानी सर ने ये बोला है कि measles जो है वो mainly बच्चों को होता है। तो अगर हमारी पूरी पृथ्वी पे बच्चों को हटा दिया जाए तो measles क्या होगा? क्यों? क्योंकि बच्चों को measles हो रहा है, तो बच्चे susceptible हैं उस disease के लिए। तो हमें measles के viruses, bacteria हमारे आसपास हैं, but वो एक्सप्रेस नहीं होंगे हमें। क्यों? क्योंकि हमारी ससेप्टेबिलिटी नहीं है मीजल्स की, बच्चों की ससेप्टेबिलिटी है मीजल्स की। तो वो एग्जिस्ट करते हुए भी एटमॉस्फेयर में हमें नहीं होंगे। एंड इफ देयर वर नो क्रॉनिक मियाज्म देयर वुड बी नो ससेप्टेबिलिटी। और एक बात और सर ने बोली है कि अगर हमें कोई क्रॉनिक मियाज्म या क्रॉनिक मियाज्म बेस में नहीं है तो हमारे अंदर कोई ससेप्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती, यानी हमें कभी कोई कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। वी विल टेक अप द सब्जेक्ट ऑफ ससेप्टेबिलिटी लेटर।
सोरा इज द कॉज ऑफ ऑल कंटेजियन, जो सोरा है, जो सोरिक मियाज में है, वो सभी बीमारियों का कारण होता है। इफ मैन हैड नॉट हैड सोरा, अगर मैन को कोई सोरा नहीं है, ही वुड नॉट हैव हैड द अदर टू क्रॉनिक मियाज, तो उसको दूसरे दो क्रॉनिक मियाज नहीं हो सकते हैं। लेकिन सोरा द ओल्डेस्ट बिकेम द बेसिस टू द अदर्स, लेकिन जो सोरा है वो सबसे पुराना है और वो बेस होता है दूसरे म्यास का। द फिजिशियन ऑफ द प्रेजेंट डे डू नॉट कॉम्प्रीहेंड हैनिमेंस डेफिनेशन ऑफ सोरा, जो आजकल के फिजिशियंस हैं वो ना जो हैनिमेंस ने सोरा की डेफिनेशन दी थी वो उसको वैसे नहीं समझते हैं। दे थिंक इट मेंट एज इट्स वेसिकल और सम सॉर्ट ऑफ टेटर, तो वो ऐसे सोचते हैं आजकल के फिजिशियन कि ये ना कुछ खुजली होगी या कोई इच की वेसिकल, वेसिकल का मतलब एक फोड़ा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है या कुछ फ्लूइड भरा हुआ है या कोई इरप्शन एक्सटर्नल बॉडी पे, ये सोरा है। दे रिगार्ड इट एज ओनली द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ए बग दैट क्रॉल्स इन द स्किन मेकिंग वेसिकल, वो रिगार्ड करते हैं इच को कि वो क्या है, वो रिजल्ट है, वो किसकी वजह से हुआ है, एक मच्छर या एक बग जो क्या है, जिसका कारण एक बग है और वो आपकी स्किन के ऊपर क्रॉल कर गया, क्रॉल मतलब चल गया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे वेसिकल्स हो गए हैं और ये सब जो है ये एक्सटर्नल है। नहीं, ये गलत है, ये सोरा की डेफिनेशन गलत है, सोरा तो बहुत डेप्थ में है। This is quite in keeping with man's present form of investigation because he can comprehend only that which he discovers by his senses. ये जो investigation है present man की, ये बहुत गलत है क्योंकि वो हर जो चीज़ वो आँखों से देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। नहीं, सोरा जो है वो बहुत depth में होता है। Hahnemann's idea of sora, as we shall see when we come to study it, is wholly different from these perverted views Hahnemann sir ka idea sora ka in galat dharanaon se bilkul alag hai. Sora correspond to that state of man in which he has so disordered his economy. Sora correspond karta hai, yani batata hai aadmi ki wo state ya उसका शरीर का वो स्टेट जिसमें उसकी इकोनॉमी यानी उसका शरीर या उसका इंटरनल पूरी मैन इतना डिसऑर्डर हो गया है, मतलब उसका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया है, गड़बड़ हो गया है, टू द वेरी अटर मोस्ट, UTTERMOST, यानी अंदर से, दैट ही हैज बिकम, कि आज वो हो गया है ससेप्टिबल, ससेप्टेबल हो गया है टू एवरी सराउंडिंग इन्फ्लुएंस, हर आसपास की चीज़ों को लेकर वो इतना ज़्यादा ससेप्टेबल हो गया है। जैसे हमारे सन है, हमारी विंड है, हमारा कोल्ड वेदर है, हमारा हॉट वेदर है और मून के फेसेस है, बट क्या होता है, जैसे कुछ लोग में हम देखते हैं कि वो सूरज में जाते हैं उनके सिरदर्द शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ये समझना है कि एक सूरज जो हमें रोशनी देने देता है, जो पूरी सृष्टि को जीवन देता है, हम इतना ससेप्टेबल हो गए हैं, हम इतना, हमारे इंटरनल इकोनॉमी इतनी वीक हो गई, यानी हमारे अंदर एक सूरिक म्यास में आ गया है कि हम उस अच्छी चीज से जो हमारे लिए अच्छा कर रही है उसके लिए ससेप्टेबल हो गए। इसमें हमारी हवाएं आ सकती हैं, वेदर चेंजेस आ सकते हैं, सर्दी गर्मी का मौसम हो सकता है और कोई पर्टिकुलर फूड हो सकता है। फूड से नहीं होना चाहिए हमें एलर्जीज, क्यों है, क्यों, क्योंकि बेस में एक मियाज में है और वो एलर्जी कॉज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फूड से, जबकि वो फूड तो हमारे लिए अच्छा था और दूसरे को तो बीमारी नहीं हो रही है। तो क्या है, आपके अंदर एक पर्टिकुलर ससेप्टेबिलिटी है जिसका बेस एक क्रॉनिक मियाज में, इसको हमें यहाँ से समझना है। यानी जैसे हमारी बहुत सारी डिजीज के नाम दे देते हैं, सीलिएक डिजीज हो गई और सन्स स्ट्रोक हो गए या और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, दे देते हैं उनको नाम, तो हमें इन सब चीज़ों को समझना है कि यहाँ पे हमें मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट या क्रॉनिक मियाज्म को हटाना है। अगर हमने वो हटा दिया तो हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं और उनकी ससेप्टेबिलिटी को ख़त्म करके वो जो इनको प्रॉब्लम हो रही है सूरज से, हवाओं से, वेदर चेंजेस से, गर्मी से, सर्दी से, पर्टिकुलर खाने से, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ इंटरनली हीलिंग हो जाएगी, सब कुछ ऑर्डर में आ जाएगा। The other day I used the illustration of civil government and said if our civil government is evil in its center it will be in
डिसऑर्डर इन इट्स अटरमोस्ट। सर ने इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर हमारी जो सराउंडिंग है, सॉरी, अगर हमारी सिविल गवर्नमेंट जो है उसका जो सेंटर है वही खराब है तो क्या होगा, जो उसका मेन जो अटरमोस्ट है, इंटरनल जो है वही डिसऑर्डर में हो गया, तो बाहर तो अपने आप ही वो मतलब बाहर के लोग क्या सही काम करेंगे जब मेन गवर्नमेंट ही खराब है। इसको ऐसे समझिए। सो इफ ए मैन इज इविल इन हिज इन वेरी इंटीरियर्स, इसलिए अगर एक आदमी इविल है अपनी इंटीरियर्स में, दैट इज अगर वो अपने विल और अंडरस्टैंडिंग में उसकी सोच खराब हो गई है, वहाँ पे इविल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जैसे मैं इसको समझाती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं तो उन्हें ऐसे लगने लगता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, या हर कोई मेरी गलती ही निकालता है, या आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ये बहुत छोटे छोटे थॉट प्रोसेस हैं जिन्हें हम जाने कितनी जन्मों से हमारी आत्मा, हमारी सोल अलग अलग बर्थ ले रही है, अलग अलग सिचुएशन फेस करते हैं, अलग अलग तरीके से डेथ हो जाती है, जो हमारे अंदर फियर्स क्रिएट कर देते हैं, और उस थॉट प्रोसेस को हम अगली लाइफ में भी कैरी ऑन करते हैं। ये मत सोचिए कि वो थॉट प्रोसेस वहाँ खत्म हो गया, नहीं, यू आर कैरिंग दैट थॉट प्रोसेस, बिकॉज हम सब आत्मा है और हम सब आत्मा जो है वो एक इवोल्यूशन प्रोसेस में है। मतलब हम सबकी सोल्स को इवॉल्व होना है और हम सबको इन फॉल्स बिलीव्स यानी इन सभी डेल्यूजन से कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई इज्जत नहीं करता, या कोई भी डेल्यूजन, पर्टिकुलर पर्सन टू पर्टिकुलर पर्सन डेल्यूजन्स डिफर करते हैं, तो हमें उनके इन डेल्यूजन्स को मिटाना है, या हमें खुद अपने डेल्यूजन्स को ख़त्म करना है। ये मैं अमीर होना डिजर्व नहीं करता, या मैं तो हमेशा गरीब ही रहूँगा, या दुनिया में कमी है, या दुनिया बहुत बुरी है, इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की भावनाएं हमें अपने अंदर से निकालनी है और अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट क्रिएट करना है, अपनी बेस्ट टू बेस्ट थिंकिंग बिलीफ से। वो कब होगा? वो तब होगा जब हम पेशेंट्स जो हमारे आ रहे हैं उनको इस विल और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हील करेंगे, वहां पे जाके मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, और ये जो सोरा है ये यहीं से आया है, हमारे विल से, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी समझ, यहाँ से सोरा का उदय हुआ है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस एविल फ्लोज इन टू हिज लाइफ, और ये जो गलत सोच है, भावना है, ये इसके पूरे जीवन में बहेगी। ही इज इन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, और धीरे धीरे क्या होगा, सोच से, समझ से हमारे सेल्स अफेक्ट होंगे, सेल से हमारे टिश्यूज अफेक्ट होंगे। लेट मैन एग्जिस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थिंकिंग फॉल्स थ्योरीज। ऐसा सोचिए कि एक आदमी हजारों साल से एग्जिस्ट कर रहा है और गलत सोच रहा है, एंड ब्रिंगिंग देम इनटू हिज लाइफ, और अपने जीवन में ला रहा है, एंड हिज लाइफ विल बिकम वन ऑफ डिसऑर्डर, और उसका पूरा जीवन एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें मैं आगे का चैप्टर समझाऊंगी।